नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीश और आप देख रहे हो एसएसए स्टॉक मार्केट। भाई बात करेंगे आज खास करके अपने पसंदीदा शेयर के बारे में। पसंदीदा इसलिए नहीं है कि नहीं मैं इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगाया हूं, पसंदीदा इसलिए है कि आप लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हो और इसमें मैं बहुत सारी वीडियो बनाता हूँ, प्रतिदिन वीडियो बनाता हूँ। अब इसके ऑप्शन के तौर पे हम लोगों के पास तीन शेयर हैं जिनका भी यहाँ पे हम लोग एनालिसिस करेंगे और मैं बताया भी था एक दो ऑप्शन के तौर पे। जैसे एक है अक्षर स्पिन टेक लिमिटेड है जो थोड़ा सा फेमस स्टॉक है, थोड़ा सा मतलब बहुत सारे लोग बाय सेल इसको भी करते हैं। और एक इसी के साथ में देखेंगे हम लोग तो केबीसी ग्लोबल लिमिटेड है, कारदा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, इसको भी देखेंगे और इसको भी मैं ऑप्शन के तौर पे आप लोगों को बता चुका हूँ। और एक है एक्सेल रियल्टी एंड इंफ्रा लिमिटेड, खास करके सीधा सीधा एक्सेल रियल्टी के नाम से ही जाना जाता है, ये शेयर है। अब इन चारों शेयर का हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, खास करके ये वीडियो मेन कह लेंगे है जीटीएल इंफ्रा की। बाकी इन तीनों का मैं रेफरेंस दे के बताऊंगा आप लोगों को कि किस तरह के पैनी स्टॉक में खरीदारी करना चाहिए, क्या उनमें इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्या उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं होती है, पैनी स्टॉक में क्या चीज़ देखना चाहिए क्या चीज़ नहीं देखना चाहिए, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पैनी स्टॉक में क्या होना चाहिए क्या नहीं। देखिए होने के लिए तो बहुत सारे फंडामेंटल रेशियो हम लोग देखे हैं, प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है, एफआईआई की होल्डिंग बढ़ रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, सेल्स ग्रोथ रेशियो, प्रॉफिट ग्रोथ रेशियो, आरओसी, आरओई, बुक वैल्यू, पी रेशियो, दुनिया जहान देखते हैं हम लोग। लेकिन एक पैनी स्टॉक में मेरे हिसाब से दो तीन खास चीजें होनी चाहिए, उसके बाद वो पैनी शेयर आपको तो मल्टीबैगर बन के रिटर्न दिखाएगा। क्योंकि बाकी के चीजें ठीक नहीं रहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, जैसे जैसे वो ठीक होंगी ना वैसे वैसे शेयर वो जो है एकदम मोमेंटम दिखाएगा। तो कुछ चीजों को हम लोग छोड़ देते हैं पीछे, जो मेन मेन चीजें हैं ना वो चीज हमको चाहिए। अब जीटीएल इंफ्रा में अगर देखेंगे हम लोग तो इसमें मुहूर्त ट्रेडिंग में ही 5% की तेजी आई थी 1 घंटे की केवल ट्रेडिंग में। जो सपोर्ट बनाया हूँ वहीं उसी सपोर्ट पे ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है हम लोगों को। लॉन्ग टर्म के लिए मैं आप लोगों को वीकली चार्ट पे इसके बता चुका हूँ कि वीकली चार्ट पे ये स्ट्रांग है, डेली चार्ट इसका वीक हो गया है, वीकली चार्ट इसका स्ट्रांग है। और मंथली चार्ट देखेंगे, मंथली चार्ट भी चलिए ठीक है, मंथली चार्ट भी स्ट्रांग है, हालांकि मंथली चार्ट के हिसाब से थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है, लेकिन वीकली चार्ट एग्जैक्ट पॉइंट बता रहा है कि इससे नीचे वीकली चार्ट के हिसाब से ये शेयर नहीं जाना चाहिए और यहीं से इसमें मोमेंटम आना चाहिए। हाँ थोड़ा बहुत यहाँ पे साइडवेज करना चाहे तो साइडवेज हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे एक तेजी के बाद जो मैं अभी आपको बताया था ये वाले पोजीशन में है, तो यहाँ से एक तेजी के बाद ये वाले पोजीशन में है, तो इसके बाद ये थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है, यहाँ से जैसे साइडवेज हो चुका वो हो सकता है, और इसके पहले भी यहाँ पे साइडवेज हुआ था, तो इस वजह से साइडवेज हो सकता है, ये इसके हक में है, मतलब 1 साल 1.5 साल ऐसे टाइम फ्रेम के लिए साइडवेज हो सकता है। लेकिन गिरावट का संकेत यहाँ पे वीकली चार्ट पे तो नहीं दिख रहा है, और इसके मैं कई सारे रीजन आपको बता चुका हूँ, मूविंग एवरेज को बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ, नहीं तो बाकी आगे भी समझा दूंगा, चार शेयर को कवर करना है इस वीडियो में। अब इस स्टॉक का अगर हम लोग फंडामेंटल देखने के लिए जाएंगे ना, तो जो मैं तीन चीजें मेन बताता हूँ आप लोगों को, उसमें से दो चीजें इसकी जो है वो दिक्कत वाली हैं। दो चीज कौन कौन सी है, सबसे पहली चीज, और ये दोनों चीज एक दूसरे से रिलेट करती हैं, अगर ये बढ़ेगा तो वो बढ़ेगा, वो बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। देखिए करेंट प्राइस से कोई मतलब नहीं होता है, शेयर 2 रुपए वाला है, 10 रुपए वाला है या 50 रुपए वाला है, उससे मतलब नहीं होता है। करेंट प्राइस से क्या मतलब भाई, वो छोड़ दीजिए सर, हाई लो कहाँ पे लगाया है कहाँ नहीं, उससे क्या मतलब है दुनिया जान। मेन मतलब जो पैनी स्टॉक्स को होता है वो खतरा कहाँ से होता है, खतरा दिवालिया होने से होता है ना, कि कंपनी कब जो है डूब जाएगी, कब दिवालिया हो जाएगी, कब कोई दूसरा खरीद लेगा बंदा, और प्रॉफिट में नहीं आएगी या फिर लॉस पे लॉस करती जाएगी हमेशा ही। ये चीज क्यों होता है, क्योंकि उसके बैलेंस शीट पे डेट बहुत ज्यादा होता है, तो सबसे पहले इसीलिए खास करके कोई आप बड़ा शेयर खरीदते हो तो ये ढूंढते हो कि डेट फ्री कंपनी, नहीं, पैनी स्टॉक में डेट फ्री पैनी स्टॉक खोजा जाता है। क्यों, क्योंकि सबसे जो ज्यादा खतरा उसको है ना यही है, डेट से है, दुश्मन से। एक तो वो पैनी स्टॉक है, कमाई कर नहीं रही है कंपनी, ऊपर से डेट, मतलब दोहरी मार पड़ जाती है ना, कि कुछ मिल तो नहीं रहा है अपने बिजनेस से बल्कि आपको देना ही पड़ रहा है। तो सबसे बड़ा जो दुश्मन होता है वो डेट होता है किसी भी पैनी स्टॉक का, तो वो जो है डेट कम से कम जितना रहे बढ़िया चाहिए। दूसरी बात कि भाई उसका बिजनेस चला लेके कम से कम उसके बैलेंस शीट पे कुछ ना कुछ रिजर्व पड़ा होना चाहिए, ताकि बिजनेस की गाड़ी आगे चलता रहे। ये नहीं कि कहीं स्टॉक उस कंपनी को लग रहा है कि यहाँ पे एक मुझे अपॉर्चुनिटी दिख रही है और उसके पास पैसा ही नहीं है, मजबूरी है, कुछ उसको अपने सेक्टर में कुछ नया करने की जो है चाह हो रही है, या फिर कुछ नया उसके इंडस्ट्री में हो रहा है और वो कंपनी जो है कर नहीं पा रही है क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं है। कि अगर कोई एक इंडस्ट्री मतलब मान लेते हैं कोई उभर रही है, जैसे कि हम लोग
ऑटो सेक्टर को ही ले लें, ऑटो में ईवी अभी हो रहा है, तो ईवी अगर कोई पैनी स्टॉक है जो ऑटो का, और वो ईवी में जाना चाहता है, बैलेंस शीट में पैसा नहीं है तो जा ही नहीं पा रहा है, कुछ भी नहीं कर पा रहा, तो वो थोड़ा सा रिजर्व होना चाहिए कि काम धाम चल रहा हो अच्छे से। इस तरह से देखिए प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ जाएगी, प्रमोटर से होल्डिंग से मतलब नहीं होता है, एफआईआई खरीद रहे हैं बेच रहे हैं उससे मतलब नहीं होता है, अर्निंग पर शेयर से मतलब होता है, लेकिन वही बात है कंपनी कमाई करेगी तभी अर्निंग पर शेयर आएगा, तो ठीक है अगर वीक भी कंपनी है तो आ जाएगी अर्निंग पर शेयर में, तो उतना भी आरओसी आरओई का भी उतना ज्यादा वेटेज नहीं होता, जैसे जैसे सुधरेगा अर्निंग होगी कंपनी को, आरओसी आरओई तो वहीं से सीधा नेट प्रॉफिट से ही जुड़ा हुआ है ना, तो वो जो है नेट प्रॉफिट अगर आपको दिख जाए कि हाँ कंपनी 1 करोड़ आधे करोड़ की प्लस में है, जैसे कि साल दर साल बेसिस पे देखिए, अभी ये कंपनी क्या है कि कंटिन्यू जो लॉस कर रही है 700 करोड़, 800 करोड़, 1800 करोड़, 1400 करोड़ हर साल, अगर कोई कंपनी प्रॉफिट में आ रही है और अगर वो पैनी स्टॉक है भाई, तो उस कंपनी को छोड़ना नहीं, क्योंकि वो जब ही प्रॉफिट में आएगी सारा का सारा उसका ये आरओसी आरओई जितने भी रेशियो हैं सब बदल जाएंगे 1 मिनट के अंदर, अगर उसको नेट प्रॉफिट हुआ तो सारा का सारा स्ट्रक्चर 1 मिनट में चेंज हो जाएगा, जिस क्वार्टर में या जिस साल में उसने अच्छा मतलब प्रॉफिट कर लिया, तो ये सारे के सारे चेंज हो जाएंगे। मेन चीज होता है डेट और उसके बाद रिजर्व की गाड़ी चलनी चाहिए, क्योंकि गाड़ी जब चलेगी तभी कुछ होगा, चलेगी नहीं तो फिर कहाँ से कुछ होगा, ये दो चीज, अब ये दो चीज हम लोग देख लेते हैं किस 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 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ये चीज एक अच्छा होता है कि भाई उसका बिजनेस में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैसा है, अगर ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा है और फिर भी कंपनी को लॉस हो रहा है, तो ये कंपनी कभी प्रॉफिट में नहीं आएगी, मतलब पहले से ही अगर मान लेते हैं किसी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 50% है, मतलब 100 रुपये का सामान कंपनी बनता है या सर्विस देने में उसका खर्चा लगता है, और उसको जो है 150 रुपया मिल जाता है उस सर्विस से या उस प्रोडक्ट से, तो 50% उसका मार्जिन हुई, अब 50% मार्जिन कमाने के बाद भी कंपनी जो है प्रॉफिट में नहीं आ रही है, तो इसका मतलब वो कंपनी कभी प्रॉफिट में है, अब 100% मार्जिन थोड़े आएगा कि नहीं 100 रुपये में बनाओ और 200 रुपये में बेचो, 15-20% का मार्जिन बहुत, इसमें भी देखिए 22% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, साल दर साल बेसिस पे देखेंगे इस साल कंपनी को प्रॉफिट में जो है 27% की ग्रोथ देखने के लिए मिली है, इसी ऑपरेटिंग प्रॉफिट के मार्जिन के हिसाब से, मेरे हिसाब से बेहतर हुआ इसी वजह से, अब ये ज्यो ज्यो जो है इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है बेहतर होगा, त्यों 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 जो है इसमें अच्छी सी जो है मेरे हिसाब से देखने के लिए मिलेगी, लेकिन वही बात है कि ज्यादा से ज्यादा इसको 800-900 करोड़ का वहीं डेट भरना पड़ जा रहा है, इसीलिए कंपनी हमेशा जो है लॉस मेकिंग कंपनी ही रहती है, जो दुश्मन बताया वो सबसे पहला दुश्मन इसी तरह से देखने के लिए, तो ये चीज दो तीन चीज आप लोग जो जरूर देखिए, अब इसको हम लोग देख लेते हैं कि और किसमें है, देखिए चार्ट के हिसाब से भी पहले आपको देख लेना है कि डाउन ट्रेंड में है कि अप ट्रेंड में है, जैसे जीटीएल देखेंगे तो जीटीएल कौन से ट्रेंड में है, जीटीएल अगर वीकली के हिसाब से देखेंगे तो अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड कैसे है कि देखिए यहाँ से गिरा था ऊपर की साइड से और ये लो बनाया, उसके बाद ऊपर गया, फिर से यहाँ पे लो बनाया ऊपर गया, इस तरह से बस इसी तरह से आपको टोका लेना है, बाकी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं देखना है कि किधर जा रहा है, ये लो बना था, ये लो बना था और ये यहाँ पे एक लो बना के हो सकता है ऊपर जाए, तो तीनों लो ऊपर के साइड में है, हाई ऊपर बनी रहा, तो कुल मिला के शेयर जो है अप ट्रेंड में है, हाँ डेली चार्ट पे जाओगे तो ये यहाँ से दिखाएगा तो ये डाउन ट्रेंड हो जाएगा, यहाँ से दिखाएगा डाउन ट्रेंड, लेकिन इसमें भी अगर आप लोग देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे लो देखिए, यहाँ पे लो बना था, यहाँ पे लो बना था, यहाँ पे लो बना था और यहाँ पे लो बना, हालांकि जब बन रहा था तो ये भी लो था लेकिन इसको ब्रेक कर दिया, लेकिन फिर भी देखेंगे तो लगभग लगभग अप ट्रेंड ही हम लोगों को दिख रहा है, ठीक है ना, तो ये और वही चीज हम लोग के पास एक अक्षर स्क्रीन टेक का भी ऑप्शन है, लेकिन ये देखेंगे तो डाउन ट्रेंड में, इसको छोड़ देना है, इसको जो है हाथ नहीं लगाना है, हाँ अक्षर स्क्रीन टेक का आपके पास शेयर है केवल पहले से ही खरीद के बैठे हैं तो होल्ड कर सकते हैं, 1.5 रुपये 2.5 रुपये तक का मोमेंटम इसमें आने वाले समय में आ सकता है, लेकिन जीटीएल के ऑप्शन के तौर पे अक्षर स्क्रीन टेक बिल्कुल नहीं है, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है ना, अब इसमें क्या है, इसमें भी कुछ चीजें सही है, जैसे कि इसके डेट की बात करेंगे तो डेट कम है, रिजर्व भी ठीक ठाक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा ज्यादा ही कम है इसका, लेकिन फिर भी देखेंगे तो लगभग लगभग पूरे के पूरे रेशियो अगर देखोगे आरओसी आरओई यहाँ पे देखेंगे इसका हम लोग पी रेशियो भी कंट्रोल में है, बुक वैल्यू भी कंट्रोल में है, तो कभी भी कंपनी अच्छा एक नेट प्रॉफिट जनरेट करेगी जब ही ये कंपनी जो है भागना शुरू कर देगी, 3-3 करोड़ 3-3 करोड़ साल दर साल बेसिस पे नेट प्रॉफिट भी हो रहा है, तो ठीक ठाक कंपनी ये भागने वाले मोमेंटम में कंपनी है, मतलब अब एकदम जो है वो मतलब वही है कि एकदम डिसीजन वाले लेवल पे आप जा चुकी है, कभी भी बाजी इधर या उधर पलट सकती है, अब फिर से लॉस में क्यों भाई हुई तो और गर्त में जाएगी, नहीं तो फिर यहाँ से सुधरा तो फिर सब कुछ तो ठीक है, फंडामेंटली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कंपनी है जीटीएल के मुकाबले ये, लेकिन वही बात है चार्ट वीक है,
एक और कंपनी हम लोग को इसके ऑप्शन के तौर पे दिख रही है बढ़िया, जो कारदा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड है, जिसको मैं ऑप्शन के तौर पे बताया भी था, जीटीएल के ऑप्शन के तौर पे आपको मैं कारदा कंस्ट्रक्शन बताया था। ये कंपनी क्या है, लंबे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये डाउन ट्रेंड में है, लेकिन अभी देखेंगे तो स्ट्रक्चर अब बदल रहा है। जैसे नहीं बता रहा हूँ कि यहाँ पे इस फिनटेक का कभी भी स्ट्रक्चर बदल सकता है, लोअर हायर लो और हायर हाई जब बनना शुरू करे, तो फिर 1-1.5 के ऊपर ऊपर इस ये जब जाए तब इसको हम खरीद सकते हैं, और ये ऑप्शन है। लेकिन फिलहाल में स्ट्रक्चर जिसका बदल रहा है वो है कारदा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। बहुत दिन से डाउन ट्रेंड में कंपनी थी और उसके बाद अब ये बदल रही है। अब इसमें थोड़ा सा भी और मोमेंटम आता है और 2 रुपये 2.5 रुपये के ऊपर जब ये शेयर जाता है और थोड़ा सा नेट प्रॉफिट वोफिट सुधरता है इसका, तो ये कभी भी एकदम जो है बड़ा मोमेंटम दिखा सकती है कंपनी। कभी भी आप लोगों को 7 रुपये 8 रुपये 10 रुपये तक मोमेंटम दिखा देगी, तो 5-6 गुना मतलब जब भी अगर कुछ हो गया ऐसा ये कर देगी, ठीक है ना। अब इसके पास क्या है, तो इसके पास भी देखेंगे तो ठीक ठाक सब कुछ है, जो चाहिए वो सब कुछ है इस पर, ठीक है ना। देखिए करेंट प्राइस से मतलब नहीं है, मार्केट कैप से मतलब वैसे भी नहीं है, पैनी स्टॉक है तो 800 900 500 इसी तरह से मार्केट कैप है, बहुत ज़्यादा कम भी मार्केट कैप ना रहे ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। और उसके बाद बुक वैल्यू, बुक वैल्यू इसका 8 रुपया है, करेंट प्राइस इसका देखेंगे तो कितना है, 2 रुपया है, 4 गुना का अंतर हो गया कि नहीं हो गया, मतलब एक्चुअल इसकी बुक वैल्यू 8 रुपया, और ये किस वजह से है, ये 800 करोड़ का रिजर्व है और डेट यहाँ पे 76 लाख का है। नहीं बोलते हैं कि वो दीवार का या कुछ डाला कि मेरे पास बंगला है गाड़ी है दौलत है शोहरत है तुम्हारे पास क्या है, तो बोलता है कि मेरे पास माँ है, तो इसके पास रिजर्व है, सबसे मेन चीज इसके पास है, उसके बाद दुनिया जहान गई भाड़ में, ठीक है ना। इसके पास जो चाहिए वो है, और ROC ROE बुक वैल्यू सब छोड़ दीजिए, एक साइड छोड़ दीजिए, इसके पास क्या है, तो इसके पास रिजर्व है, इसके पास वो कैपेसिटी है कि कुछ भी ये नया कर सकता है, कुछ भी ये कहीं पैसा लगा सकता है, कुछ भी कर सकता है, डेट का टेंशन नहीं है, तो सबसे बड़ा दुश्मन नहीं है, सबसे बड़ा दोस्त इसके साथ है, तो ये कभी भी टर्न आउट हो सकती है कंपनी, कभी भी घूम सकती है, कभी भी कुछ भी बड़ा हो सकता है, तो इस वजह से यहाँ पे उम्मीद दिख रही है, और यही उम्मीद इसके चार्ट पे यहाँ पे देखने के लिए हम लोगों को अभी फिलहाल में मिल रही है। तो GTL के ऑप्शन के तौर पे अगर हम लोग तलाशेंगे, जैसे कि मैं बताऊँ एग्जिट नहीं करना है, बहुत ज़्यादा पैसा है तो कुछ जो है इसमें लगा देना, क्योंकि जब भी मैं कोई एक शेयर खरीदता हूँ ना, तो जब मुझे लगता है कि हो सकता है कि इसमें गिरावट आ जाएगी या गिरने शुरू हो गया है, तो मैं क्या करता हूँ कि उसके पैसे में से कुछ पैसा निकाल के उसके ऑप्शन के तौर पे एक जो है अप ट्रेंड वाला उसी सेक्टर का शेयर जो है ढूंढ के उसमें जो है ट्रांसफर कर देता हूँ, ताकि ये होता है कि अगर ये इधर से गिरता है तो वो अप ट्रेंड वाला मोमेंटम दिखाता है, या फिर नहीं ये ज़्यादा गिरता है तो वो कम गिरता है, तो थोड़ा बैलेंस हो जाता है कि ये जहाँ से मैं पैसा निकाला वहाँ से अगर ये 10% गिर गया तो उधर वो 5 ही% गिरा, अगर इसमें रहता तो ये भी 10% गिरता है ना, तो इस तरह से, तो ये चीज़, तो इसे जो है आप इससे चाहो तो हेज कर सकते हो एक टाइप पे, मतलब थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर सकते हो, ये बढ़िया है। उसी के साथ साथ में एक और हमारे पास ऑप्शन है, वो क्या ऑप्शन है, एक्सेल मतलब रियल्टी लिमिटेड। अब ये भी शेयर फेमस है, इसमें बाइंग सेल देखिए बड़ी बढ़िया बढ़िया होती है, ज़्यादा ज़्यादा शेयर बाय सेल होने हैं, 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ देखिए अभी हाल फिलहाल में, इस वजह से यहाँ पे देखेंगे, देखिए वॉल्यूम पे देखिए यहाँ पे 16 मिलियन 17 मिलियन इस तरह से वॉल्यूम ट्रेड हो रहे हैं, मतलब कहेंगे कि यहाँ पे तो कितने कितने वही 1 करोड़ 1.5 करोड़ इक्विटी शेयर इसमें भी टोटल ट्रेड हो रहे हैं, यहाँ पे देखिए 1.5 करोड़ इक्विटी शेयर ट्रेड हो रहे हैं, तो इक्विटी शेयर ज़्यादा ट्रेड हो रहे हैं, फोकस थोड़ा सा। अब इसको भी हम लोग ऑप्शन के तौर पर एक तलाश सकते हैं, मतलब इसको भी आप एक ऑप्शन के तौर पर रख सकते हैं, इसमें भी क्या हुआ है सेम उसी GTL की तरफ से बना होगी, यहाँ पे लो फिर ऊपर गया, यहाँ पे एक लो बनाया, फिर यहाँ पे जाके यहाँ पे लो बना, मतलब 3 लो यहाँ पे बनाया, तो यहाँ से कंटिन्यू मोमेंटम इसमें भी आ सकता है। अब इसका भी क्या फंडामेंटल इसको सपोर्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है उसको भी चलिए देख लेते हैं, और नीचे के साइड में देखेंगे तो देखिए कंसोलिडेट करके ऊपर के साइड में वीकली चार्ट जाएंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए यहाँ से नीचे गिरा था ना, नहीं गिरने के बाद देखिए ये वाला इसका जोन था कन्फ्यूजन वाला जोन यहाँ पे, ठीक है ना, और उसके बाद जब ही इसका थोड़ा सा सुधरा यहाँ पे एंट्री करेंगे हम लोग, तो यहाँ से आ जाएगा, जैसे मैं अभी इसका अक्षर स्पिनटेक का बता रहा था, ठीक है ना, तो ये अभी इस जोन में, ये दो तीन जो है इस जोन से बाहर निकल चुके हैं, तो यहाँ से इसमें भी देखेंगे वीकली चार्ट के हिसाब से भी ब्रेकआउट दे रहा है, लगभग लगभग 52 ये कह लीजिए, या फिर इसको 3-4 साल का ब्रेकआउट कह लीजिए, 2021 का 22 का वो ब्रेकआउट दे रहा है, तो फिर यहाँ से इसमें जो है मोमेंटम आने की संभावना ज़्यादा है, ये कभी भी आप लोगों को 3 रुपये या 4 रुपये इस तरह से देखने के लिए मिल सकता है, टाइम लगेगा लेकिन मतलब भाग सकता है, तो ये भी एक है। अब इसके पास भी देखेंगे कि क्या क्या है, करेंट प्राइस इन सब से मतलब नहीं है, बुक वैल्यू से मतलब है, तो बुक वैल्यू इसका जो है 1 रुपये
23 पर शेयर, ये भी यहाँ पे ज्यादा है। और वही बताया कि बुक वैल्यू तभी ज्यादा रहेगा जब उस कंपनी के पास अच्छा सा एक रिजर्व रहेगा, 32 करोड़ का रिजर्व है। कंपनी 135 करोड़ की है और 32 करोड़ का रिजर्व है, केवल 44 लाख का डेट है। तो ये भी चीज नहीं है, जो हमको दोस्त चाहिए वो दोस्त हमारे पास है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये थोड़ा सा बिजनेस देखिए, पैनी स्टॉक उसी लिए हुआ है कि उसको नेट प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कुछ भी दिक्कत है उसके बिजनेस में, तभी वो पैनी शेयर बना हुआ है। 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये वाला शेयर क्यों बना है वो? कहीं ना कहीं उसके दिक्कत है, तभी ना। वो दिक्कत सुधारने के लिए जो दो तीन चीज चाहिए वो मैं बताया हूँ कि डेट नहीं रहना चाहिए, रिजर्व रहना चाहिए, कभी भी वो कंपनी घूम जाएगी और मल्टीबैगर बन जाएगी। ये मैं बता रहा हूँ, ये नहीं बता रहा हूँ कि बहुत अच्छी कंपनी है, ऐसा है वैसा नहीं, कुछ बिगड़ा है तभी वो पैनी स्टॉक है, लेकिन सुधारने के लिए जो चीज चाहिए वो रहना चाहिए। ये नहीं कि नहीं मुझे ROC उसका 80% चाहिए, 50% चाहिए, ये सब नहीं। वो सुधर जाएंगे, थोड़ा सा उसको प्रॉफिट होना शुरू करेगा, ये सब अपने से बदल जाएंगे। प्रोमोटर भी बढ़ेंगे, FII भी बढ़ेंगे, DII भी बढ़ेंगे, सब बढ़ेंगे, ठीक है ना, जब सबको भरोसा हो जाएगा। लेकिन जो उसको जिंदा रहने के लिए जो चीज चाहिए वो रहना चाहिए उसके चार्ट पे, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, तो कुल मिला के GTL इंफ्रा के तौर पे एक्सल रियल्टी और जो है KBC ग्लोबल, ये दो ऑप्शन है आपके पास। आने वाले समय में अक्षर स्क्रीन टेक भी बन सकता है ऑप्शन, हालांकि इसके बाद भी और कई सारे शेयर हैं जो मैं ढूंढ ढूंढ के आपको बताऊंगा। फिलहाल में यही व्यू है, GTL इंफ्रा को होल्ड करना है लंबे टाइम फ्रेम के लिए, और व्यू जो रहेगा वो खरीदारी करने का ही रहेगा, लेकिन वहीं थोड़ा और नीचे है। हालांकि जो मैं बताया था 1 रुपया 80 पैसे का लेवल वहां तक आया था, फिर उसी सपोर्ट को जो है फिर से सपोर्ट लेके भाग रहा है। तो देखते हैं क्या करता है, अभी ऊपर रेजिस्टेंस है कई सारा, 2 रुपये 50 पैसे, ये ऊपर मूविंग एवरेज जा रहा है, तो ये सब मूविंग एवरेज हैं, अभी रेजिस्टेंस देंगे इसको, ऐसा नहीं कि यहीं से भाग जाएगा, या फिर हो सकता है भी भाग जाए। आप लोगों की आशीर्वाद हो तो लाइक करिएगा वीडियो को, और जो समझाया हूँ जो बताया हूँ आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे काम देगा इसी शेयर पे, कहीं और भी इसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना।